अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। रैंडम लाइफस्टाइल में आप सब खुश आमदीद। ये मैंने एक ब्राउनी बनाई थी अपने बच्चों के लिए, और अगर आपके बच्चे आपको तंग कर रहे हों और बस आपको उनको दो मिनट में कुछ देना हो तो बस ये ओनली 1.5 से 2 मिनट में रेडी हो जाती है। जी हाँ, इसका टाइम पीरियड बहुत कम है, बट आप इसकी सॉफ्टनेस चेक करें, आप देखें कि ये कितना अच्छा बना है और बिल्कुल पक्के है। और इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं है, आप 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स में भी इसको रेडी कर सकते हैं। जी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक बाउल के अंदर हम सिर्फ 2 चम्मच मैदा ऐड करेंगे, ओनली 2 टेबल स्पून्स हम मैदा के ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें बस सिर्फ 2 चम्मच आपने मैदा के ऐड करने, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। इसके अंदर आपने थोड़ी सी आप जैसे चम्मच के आगे वाली नोक पे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और उससे भी कम बेकिंग सोडा वो ऐड कर देंगे, ठीक है। मतलब टीस्पून के भी आप आधे से भी कम टीस्पून बेकिंग पाउडर और बिल्कुल उसकी नोक में बेकिंग सोडा। उसके बाद 2 चम्मच आपने क्रश्ड शुगर इसमें ऐड कर देनी, जितना मैदा उतनी ही पाउडर फॉर्म में शुगर वो ऐड कर देनी है। उनको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके साथ आपने 1 टेबल स्पून इसमें आप मिल्क पाउडर का भी ऐड कर सकते हैं। उसके साथ आप इसमें एक टीस्पून आप इसमें कोको पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास कोको पाउडर ख़त्म हुआ हुआ था तो मैंने इसमें सिर्फ मिल्क पाउडर ऐड कर लिए, अदरवाइज़ मैं इसमें कोको पाउडर भी ऐड कर लेती हूँ। तो आप इसमें जो भी चाहें इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा आपके पास हैं आप वो ऐड करते जाएं, कोई इशू नहीं है, ये उतना ही मज़ेदार बनेगा। आप इसको सिंपल भी रख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है कि हम दूध लेंगे रूम टेम्परेचर पे, इसमें थोड़ी सी कॉफ़ी ऐड करेंगे और उसमें 1 से 2 ड्रॉप्स वेनिला एसेंस के ऐड करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करके आप इसको इसके अंदर ऐड करके इसका पेस्ट बना लें। ऐसा कि बहुत ज़्यादा, जैसे हम केक का बैटर रखते हैं कि जो बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होता, वो क्वांटिटी आपने इसमें रखनी है। देखिए मैं आपके सामने डाल रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि आप इसकी कितनी क्वांटिटी रखेंगे। ये देखिए आपने इसके साथ इसको स्लो मोशन में अच्छे से आराम से चलाते हुए, बिल्कुल आपने इसको ओवर थिक भी नहीं करना। या मैं आपको उठा के दिखाती हूँ, ये देखिए ये बिल्कुल हनी वाली क्वांटिटी में है, तो आपने इसकी इतनी ही रखनी है थिकनेस, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें 2 चम्मच मलाई ऐड कर देने। आप इसमें इस स्टेज पे मलाई भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही थी तो मैंने प्रेफर किया कि थोड़ा हेल्दी होना चाहिए और मैं इसमें मलाई ऐड कर रही हूँ। आप इसमें इस स्टेज पर ड्राई फ्रूट्स भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं, तो ऑयल भी जो लोग थोड़े कॉन्शियस हैं। और ये मैं इसको लगा रही हूँ 2.5 मिनट्स पे, 2 मिनट्स 30 सेकेंड पे। आप इसको इतनी देर में बड़ा अच्छा बना सकते हैं। ये इसकी है जी फाइनल लुक, चेक करें, ये देखिए बिल्कुल 2 मिनट के अंदर ये बड़े अच्छे से ये रेज भी हो गया है और अंदर से इसकी जो मैदा है वो देखिए बिल्कुल पक गया है। बिल्कुल ये इसकी सॉफ्टनेस चेक करें, इसका स्पॉन्ज चेक करें कितना अच्छा है। ज़रूर ट्राई करें, रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक शेयर करें, कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।